विज्ञान की सीरीज में रसायन विज्ञान का प्रमुख टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गैस और गैस के प्रमुख नियम। वो प्रश्न आज के चुनिंदा प्रश्न है जो आपके भर्ती परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। अगर आप एक सीट के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो नौकरी उतनी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हम उन सिलेक्टेड प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी उस कमी को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फ्री क्लास आपके लिए लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से गेस्ट के रूप में आपको उज्जवल भविष्य के लिए हमने कराया है, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ना आने पाए, बाहर ना जाने पाए। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह भर्ती आपके सामने से नहीं जानी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सामान्य विज्ञान में 50 प्रश्नों की सीरीज है जो जीएस फर्स्ट के लिए और विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? जल्दी कमेंट करिएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। CH4 निकलती है। इसे मैथेन गैस कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। जी हाँ, ये मैथेन या मार्स गैस कहलाती है। यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला सवाल आपके सामने है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वही परीक्षा वाले प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सिलेक्टेड प्रश्न आप सिलेक्शन वाले हैं। जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, एकदम यूनिक प्रश्न है, थोड़ा तेजी से पढ़ाना चाहेंगे अब हम सीरीज को। यहां पर कह रहा है कि सड़े अंडे से तो H2S जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े अंडे की गंध आती है, ये एक रंगहीन तथा अधिक विषैली गैस है। याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये एक प्रकार की अधिक विषैली गैस है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों तक, पैसे नहीं लगेंगे। अगला सवाल आपके सामने, कैथोडिक किरणें हैं। जी हाँ, कैथोड की किरणें हैं, कैसी हैं? इलेक्ट्रॉन की धारा है, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा है, अनावेशित कणों की धारा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्या है? देखिए, कैथोड की जो तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक बीम। जैसे ई लर्निंग विद दुर्गेश आपने नाम सुना होगा, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक बीम होंगी। इसे हम इलेक्ट्रॉनों की धाराएं कहते हैं। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की धारा या इलेक्ट्रॉनिक बीम के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर फर्स्ट सामान्य के लिए और पेपर सेकंड विज्ञान में दोनों की यूनिक प्रश्न की सीरीज है। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? जो मवेशी होते हैं जुगाली के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सड़े गले पदार्थों से कौन सी गैस निकलती है? पुराने कुओं से कौन सी गैस निकलती है? इन सभी का जवाब होगा मीथेन। इसे हम CH4 कहते हैं, इसे हम मार्स गैस कहते हैं। जी हाँ, रट लीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये सभी किससे निकलता है जो मैंने बताया? याद रखिएगा, एक प्रश्न आपकी परीक्षा फिक्स है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु में से क्या है? कार्बनिक का वाष्पित रूप है, एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, बताइए, जल्दी कमेंट करिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वायु में निम्नलिखित में से क्या है, बताइए जल्दी से? दी मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है। इसमें सभी गैसें पाई जाती हैं, चाहे अब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, अक्रिय गैसें, सक्रिय गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसलिए वायु क्या है? एक मिश्रण है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करिएगा। यार, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, यार अभी तक पैसे नहीं लगेंगे, लाइक का बटन दबाइए, सभी को शेयर करिए, यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है,
जी हाँ, सभी क्लासेज आपको चल रही हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी, संस्कृत, फर्स्ट पेपर, सभी इलर्निंग विद दुर्गेश पर चल रहे हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम पर है। पहला प्रश्न है, बंद कमरों में स्टोप व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। जल्दी से बताइए सभी साथी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मानिए परीक्षा में बैठे हैं, ये परीक्षा वाले सवाल हैं, ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं। ये वीडियो फेसबुक पर और ये वीडियो यूट्यूब पर, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, जी हाँ, इसे कौन सी गैस कहते हैं, इसे आप शेयर कर दीजिए, इसे कहते हैं, हाँ हो गया, ये इसको कहते हैं CO गैस। कौन सी गैस कहते हैं, इसे CO साहब गैस कहते हैं। अब ये मोटर वाहनों से निकलती है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, धीरे धीरे जब सांस के द्वारा पहुंचती है उसके परिवहन क्षमता को कम करती है। ये ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसे दम घुटने लगता है, इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस, इसे हम दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, प्रदीप्त प्रकाश नालिका में कौन सी गैस होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। आप कह रहे शेयर कर दिए, नहीं शेयर हुआ है 20 ग्रुपों में, ठीक है, आपको बोले हैं, ठीक है। प्रदीप्त प्रकाश नालिका में निम्नलिखित में से गैस होती है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी कमेंट कर बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिएगा। यार नौकरी करनी है और इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, D1 है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्गन गैस। कौन सी गैस, आर्गन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश, जैसे पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तो उसे अवशोषित कर लेती हैं तथा निचली आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ऐसे पदार्थ प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं और इस घटना को प्रदीप्ति कहते हैं। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब होती है, इसके अंदर इसकी जो दीवार होती है उस पर फास्फोरस का लेप चढ़ा देते हैं, उसके अंदर आर्गन के कुछ पारों के साथ भरे जाते हैं और ये बहुत ही कम दाब पर भरी होती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है, इसे हम कहते हैं LPG। ये वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दोनों पर चल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के प्रमुख संगठन कौन से हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, सभी लोगों ने एकदम सही बताया, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देखिए अगर हम LPG को जाने, अगर आपने पढ़ा होगा इसका फुल फॉर्म बताइएगा, इसके रिसाव की पहचान के लिए इसमें मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिथाइल मरकप्टन। ये क्या होता है, गैस के रिसाव को जानने के लिए क्या लगाते हैं, LPG के गैस के रिसाव के लिए मिथाइल मरकप्टन मिलाते हैं ताकि उसके रिसाव के गंध से पता चल सके। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी का राइट आंसर होगा, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के साथ साथ। जी हाँ, उसमें क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं, LPG का फुल फॉर्म, ठीक है। गणित के लिए भी क्लास चल रही, गणित के लिए परेशान ना हो, गणित की एकदम यूनिक सीरीज आपके लिए चल रही, सिलेक्टेड चीजें पढ़िए, क्योंकि इस समय आपके पास लगभग 40 दिन का है, इसमें इतिहास रचना है आपको। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बायल नियम निम्नलिखित में स्थिति में लागू होते हैं, निशुल्क क्लास है आपके लिए, देश हित में, राष्ट्रहित में, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए बायल नियम की अगर हम बात करें, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो होता है नियत तापमान, बी इसका राइट आंसर होता है। देखिए बायल नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के विक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम देखें V=1/P, क्या होता है, बायल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ।
ऐसे प्रश्न को एक आपको दायरा पता चल जाएगा ना क्या क्या पढ़ना है। ताप और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यह नियम किसका कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, अब की बार एक सीट हमार ये भर्ती पीसीएस परीक्षा से बढ़कर है, इसलिए मेहनत करिए, झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि एक सीट लेनी है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, यहां पे गलती हो जाए, परीक्षा हाल में गलती नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं अवोगाद्रो का नियम। जी हाँ, अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है कि जब तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या क्या होती है, समान होती है, यह अवोगाद्रो का नियम कहलाता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है कि आईसी एसिटीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, कौन सी? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर बताइए आप लोग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जल्दी बताइए सभी साथी। एकदम आसान हलवा वाला प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एकदम आसान है। देखिए होगा गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है कि मेटल कटिंग में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में दो गैसें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण एक निश्चित ताप पर धातु पर पड़ता है तो उस स्थान पर धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे धातु उस स्थान से कट जाती है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु प्रदूषित करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, जीत हो या हार हो मुकाबला तो टक्कर का होगा। जी हाँ, एकदम सही बताया आप लोगों ने, जीत हो या हार हो लेकिन मुकाबला तो टक्कर का होगा। जल्दी नहीं बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? जल्दी से बताइएगा, लेड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बड़े शहरों में वाहन जनित प्रदूषण प्राप्त होता है, ईंधन के रूप में पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड पड़ता है, ठीक है। और फिर भारत में 1995 से सीसा रहित कुछ चुने हुए महानगरों में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार पेट्रोल का उन्हीं वाहनों में उपयोग किया जाता है जिसका कैटोलीन कन्वर्टर लगा हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है कौन सी आदर्श गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यार आप लोग की संख्या बहुत कम रहती, पता नहीं क्यों आप दिल से सहयोग नहीं करते जितनी मेहनत से मैं आपके साथ रहता हूं। कौन सी आद्र गैस है बताइए जल्दी से कमेंट करके, कौन सी गैस आद्र है? रेडॉन। देखिए रेडॉन गैस कब निकलती है, याद रखिएगा जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, उसका नाम है रेडॉन। उस गैस का नाम क्या है? रेडॉन है। लेकिन यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। ये सभी गैसें आदर्श गैसें कहलाती हैं जो आदर्श गैस समीकरण कौन सी पीवी बराबर एनआरटी का अनुसरण करती हैं, जहां पी क्या होगा दाब होगा, वी क्या होगा आयतन होगा, टी क्या होगा यहां पे टेम्परेचर, एन क्या होगा गैसों की मोल की संख्या और आर बराबर आदर्श गैस नियतांक होता है। सभी गैसें आदर्श गैस जैसे हीलियम है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जीनान है, यहां पे पूछा कौन सा नहीं है, आर्गन है, नियान है और रेडॉन है, ठीक है। आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियान है, रेडॉन है, जीनान है, ठीक है। हाँ लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, आपके ऊपर है, क्रिप्टॉन भी है, क्रिप्टॉन भी है। जैसे रेडॉन का क्या होगा, किसी को पता है? रेडॉन को हम आर्यन से लिखते हैं, रेडॉन हो गया, ये हो गया आर्गन, एआर हो गया। जीनॉन की बात करें तो ये ऑक्सीजनॉन होता है। अगर क्रिप्टॉन की बात करें तो केआर क्रिप्टॉन होता है, ठीक है। हीलियम होता है, ये सब आदर्श गैस हैं। ये सभी क्या है? आदर्श गैस हैं। ये सभी क्या है? आदर्श गैस है, ठीक है। हम आगे चल, अगले प्रश्न सिलिकॉन नहीं है, जो गलत है वही सही है, सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पे ऊपर तीन डॉट विंडो पर क्लिक करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, चाहे इसे फेसबुक पे देखना चाहे यूट्यूब पर। देखिए कौन से गैस मार्स गैस कहलाती है, मैंने प्रारंभ में बताया। अगर क्लास को आप स्टार्टिंग से देख ले होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां से गलती करेंगे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए जल्दी से कमेंट करके,
बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। देखिए मार्स गैस कहते हैं एथिलीन को, ब्यूटेन को, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण है मिथेन को, किसको कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है आपके। ये होगा मिथेन, इसे CH4 कहते हैं। बाकी इसकी व्याख्या ऊपर मैंने बता दी थी, क्या होगा? CH4 होगा। अगला, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? जी हाँ, अगर मैं पूछूं आपके घर में चूल्हा कैसे जलता है, तो आप बताएंगे सर कोई गैस से बताएगा, कोई लकड़ी बताएगा, कोई स्टोव पे बताएगा, अलग अलग जगह आप बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका जो चूल्हा जलता है वास्तव में, अगर वहां से ऑक्सीजन हटा दी जाए तो शायद आपके घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इसे क्या कहते हैं? दहन गैस कहते हैं। ये जलने में सहायक होती है, ये ज्वलनशील पदार्थों को अनुपस्थिति में नहीं जल सकता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ये ज्वलन गैस कहलाती है, क्योंकि आग को जलने में ये सहायता करती है। ठीक, अगला सवाल है आपका, एल्कोहल में क्या निहित होता है? एल्कोहल में क्या निहित होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एल्कोहल में क्या निहित होता है। यहां पे देखिएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होता है भैया एल्कोहल में? दारू नहीं जी, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? बी। आपको पता है एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, CnH2n+1 2n+1 OH। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब की बार आगे बताइए आप लोग। एक सीट हमार। एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम कैसा होगा? शून्य होता है, गिरता है, स्थिर रहता है, बढ़ता रहता है, बताइए क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अब की बार एक सीट हमार, जल्दी से बताइए, बढ़ता है। जी हाँ, जब किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ऐसी दशा में प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो निकाय से बाहर नहीं जाती। इस प्रकार दाब बढ़ने से निकाय का ताप बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला सवाल, जी हाँ, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? 9:30 बजे क्लास जीवन में कभी मिस मत करिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। 50 नंबर की पक्की तैयारी प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश में, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक जरूर मिल जाएगी। वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? जरूर जवाब दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। जी हाँ, बेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग बेल्डिंग उद्योग में होता है। ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसकी लौ का जो तापमान होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यह इसके प्रकार जलने लगती है। ठीक है, हम आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? जल्दी से बताइएगा, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? 9:30 बजे 50 प्रश्न की तैयारी प्रतिदिन, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन, मिथेन, प्रोपेन, रेडान, कौन सी गैस? रेडान तो मैंने आपको बताया, ये कहां से निकलती है? ज्वालामुखी के बाद, ये धान की खेत से, मवेशी जब जुगाली करते हैं तब, सड़े गले पदार्थों से, गोबर गैस प्लांट से। ब्यूटेन प्रोपेन में क्या होगा? इसका होगा ब्यूटेन, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, समझ लीजिए कितनी यूनिक प्रश्न है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे या प्रश्न को पढ़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि कितने यूनिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, बस आप साथ दीजिएगा, हम परिणाम देंगे। आप साथ दीजिए, हम परिणाम देंगे। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, जवाब जरूर दीजिएगा। 3 है और 1 नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
जल्दी कमेंट करके बताइए साथी, जो वीडियो को देख रहे जल्दी से कमेंट करें। भैया जवाब दीजिए आप लोग, देखिए ब्रोमीन नियान आर्गन क्रिप्टॉन क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रोमीन, इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रोमीन। देखिए प्रकृति में 6 अक्रिय गैस ज्ञात है, अवर सारणी में शून्य वर्ग में रखते हैं, आपको नाम पता है? प्रकृति में 6 अक्रिय गैस ज्ञात है, जिसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी आती है, एक आर्गन आती है, क्रिप्टॉन आता है, नियान आता है, जेनान आता है, रेडॉन आता है, हीलियम आता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन हेलोजन वर्ग में सातवें वर्ग का है, ये जो ब्रोमीन है ये हेलोजन वर्ग का है, किसमें का है, ये हेलोजन वर्ग का है, और किस वर्ग में आता है, सातवें में, सातवें वर्ग में आता है, अवर सारणी में आपने पढ़ा होगा ना, ये सातवें वर्ग में आता है, इसलिए जो गलत है वही सही है, क्योंकि प्रश्न कैसा है, नकारात्मक है। आजकल नया ट्रेंड चला है नहीं वाला, कौन सा ट्रेंड, नया ट्रेंड है कि नकारात्मक प्रश्न पूछने का, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे अगर आप इलनी विद्युर्गेश से प्रतिदिन क्लास लाइव पढ़ेंगे तो। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है, अभी ऊपर हमने बताया था आदर्श गैस कौन सी नहीं है, बताइए जल्दी से कमेंट करके आदर्श गैस कौन सी नहीं है। भैया आदर्श गैस, आइडियल गैस, अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ये सिलिकॉन, रेडॉन है, आर्गन है, नियान है, ये नहीं है, ठीक है। ठीक अगला सवाल, अगला प्रश्न है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, एकदम यूनिक प्रश्न है, एकदम परीक्षा वाले प्रश्न है, जल्दी कमेंट कर बताइएगा नोबेल गैस कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। यार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, इसलिए नहीं कि आपके शेयर करने से मेरी वीडियो पहुंचेगी, इसलिए किसी का भविष्य बन जाएगा। वो यूनिक प्रश्न अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि वास्तव में दुर्गेश सर की क्लास काबिले तारीफ नहीं है, परीक्षा के प्रश्न काबिले तारीफ है, तो जरूर पहुंचाइएगा। ये यूनिक प्रश्न जो परीक्षा में आइडिया मिलेगा क्या क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन प्रश्नों को पढ़ना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। नोबेल गैस की अगर हम बात करें, जी हाँ, इस प्रश्न का होगा उत्तर हीलियम। शून्य वर्ग तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इन तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, इन्हें ही उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये शून्य वर्ग में आते हैं, किसमें, शून्य वर्ग में आते हैं, रट लीजिएगा इन्हें, और क्या कहते हैं, इन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं, इन्हें अक्रिय गैस ना, अक्रिय गैस कहते हैं, ऐसे मानिए अक्रिय गैस भी कहते हैं इन्हें। इनकी संख्या कितनी है, 6 है, ऊपर मैंने बताया था कौन कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन्हें नोबेल गैस भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं। समझ में आया, अगर आप लोग को समझ में आ रही हो क्लास तो वाई लिखिएगा, और नहीं समझ में आ रही हो तो यन लिखिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, केवल वो प्रश्न पढ़िए जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है, ये ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के होने वाले पिछले 15 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। जी हाँ, गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है, जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइए जल्दी कमेंट करके। अब आपके पास समय कम है और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको एक आइडिया भी होता जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, माने जब चूने के पानी, जब चूने के पानी माने CaOH2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी, CO2 जब गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, माने तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे देखे समीकरण के माध्यम से तो देख लीजिएगा, क्योंकि भैया सिलेक्शन लेना है सबको, CH2+CO2 ना, जब से हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या देगा, देगा CaCO3 CaCO3+H2O, माने क्या कर देगा, दुधिया हो जाता है। जी हाँ, इस प्रश्न का समीकरण आपको मिल गया, ये आपका समीकरण बनेगा, ये क्या बनेगा, आपका समीकरण बनेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि स्तर काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको जोड़ियां मिलानी है, इसमें प्राकृतिक गैस है CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, कौन सी गैस, मार्स गैस,
ठीक कहां कहां से निकलती मैंने बता दिया है, हास्य गैस ये N2O कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। कैसी है? ग्रीन हाउस गैस भी है। शुष्क बर्फ CO2, भारी भारी जल D2O, अमोनिया बचा क्या NH3। तो इस प्रकार हमने देखा, ये फर्स्ट पेपर में सामान्य विज्ञान में भी है, विज्ञान दोनों लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कितना बेहतर क्वेश्चन की सीरीज है। भारी जल D2O को कहते हैं, किसको कहते हैं? D2O को कहते हैं। D2O का प्रयोग कहां करते हैं जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। छोटा सा सवाल, आसूत जल किसे कहते हैं? आसूत जल किसे कहते हैं? देखिए भारी जल हम लोगों ने पढ़ लिया, शुष्क गैस जल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको यह बताना है आसूत जल क्या होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें, वनस्पति घी किसमें बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी लोग, फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। विशेष रणनीति, आपके सवाल हमारे जनाब। वनस्पति घी, देखिए वनस्पति घी निम्न से किससे बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन इस प्रश्न का सही जवाब है? जी हाँ, सही जवाब आया है कुलदीप जी का। वह जल जिसमें खनिज लवण नहीं पाया जाता उसे मासूत जल कहते हैं। ठीक है, वनस्पति घी। जी हाँ, ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं उन्हें जमाने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? एकदम हलवा हलवा प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी साथी। देखिए यह था पहले भरे जाते थे, क्या थे? पहले भरे जाते थे वर्तमान में नाइट्रोजन भरे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों प्रश्न का उत्तर क्या है। पहले भरे जाते थे हीलियम, अब देखिए नाइट्रोजन। अब आपने देखते होंगे टायर में नाइट्रोजन गैस होती है, कहां पे? अब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ध्यान दीजिए क्यों, वर्तमान समय में जो हवाई जहाज होती है उसके टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, अकरी गैस होती है। ठीक है, और ये करती क्या है? टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंडा रखती है, उनको बेहतर सुरक्षा ऑक्सीकरण से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करती है। पहले इसका प्रयोग करते थे, वर्तमान में इसका प्रयोग करते थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जी हाँ, पहले हीलियम, लेकिन अब इसका प्रयोग नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप लोग गलती मत करिएगा। देखिए मैंने आपसे पहले बताया ये ऐसी प्रश्न की सीरीज है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे और आप गलती कर जाते हैं। ठीक है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं इसलिए अक्रिय गैस होती है, टायर को घर्षण से उन्हें ठंडा रखती है, उनकी बेहतर सुरक्षा करती है, ऑक्सीकरण से रक्षा करती है और अर्थ प्रबंधन को बेहतर करती है। ठीक है, वर्तमान में नाइट्रोजन, प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन। अगला सवाल, जब हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली गैस क्या होगी? ये परीक्षा वाले प्रश्न है मेरे साथियों, यार वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, इतना काम करिए, कर भला तो हो भला, मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए। अगर ऐसी सीरीज कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए नहीं घमंड नहीं, ये गर्व की बात है, पूरे दिन आपके लिए प्रश्न बैंक बनाई जाती है। जी हाँ, जब एक हवा भरा गुब्बारा फटता है तब क्या होता है? व्हाट हैपेंड? तब ठंडी हो जाएगी, तब निकलने वाली हवा क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। कैसे? तब उसमें अचानक फैलाव होता है, इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं पाती और इस प्रकार प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, इसका तापमान गिर जाता है, फिर ठंडी हो जाती है। जी हाँ, यह रुद्रोष्म परिवर्तन का दृष्टांत एक नियम भी है,
यार जब हवा गुब्बारा फटेगा उसमें फैलाव होगा, हवा बाहर से उसमें नहीं मिलेगी, इस प्रकार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा ही प्राप्त करती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी, उसका तापमान गिर जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। परीक्षा वाले प्रश्न है मालिक, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। सभी क्लासेज लेने भी दुर्गेश पर चल रही, भाषा की, गणित की, गणित विज्ञान, SST की, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समय कम है, 40 दिन में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जवाब जरूर दीजिएगा। ये प्रतिदिन क्लास चलती है और इसके बाद अगली क्लास 9:30 बजे की होगी, 50 नंबर की सीरीज, जैसा पेपर वैसा सीरीज 9:30 बजे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके, ग्रीन हाउस में पृथ्वी के वातावरण गर्म होना किसके कारण होता है? देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी के ध्रुव हो गए, यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। इसके लिए वहाँ पे घर बनाते थे शीशे का, ठीक है? कौन सा घर? शीशे का घर बनाते थे, शीशे का घर बनाते थे ताकि बाहर की जो थोड़ी बहुत हवा आ जाए, बाहर की सूर्य किरणें आ जाए और यहाँ पे बर्फ पिघल जाए, छोटी छोटी घासें हो जाए, तो अंदर क्या होता था? ग्रीन हाउस होता था। और यही हाउस जो पूरे वायुमंडल बन जाता है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके प्रमुख गैसें कौन है, कमेंट करके बताइएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, लेकिन उसे कहते क्या है, जल्दी बताइए। गर्म के कारण किसके कारण होता है? तो होता है इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। जी हाँ, सूर्य से आने वाले किरणों को यह अब्सॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी का वैश्विक तापक्रम बढ़ जाता है और इसमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंग दैर्ध्य को इंफ्रारेड को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी जाने नहीं देती। दीर्घ तरंगे इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट आंसर है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा, यहां पे लिखिएगा सबसे ज्यादा, अब प्रश्न पूरा कंप्लीट होगा। बताइए सबसे ज्यादा कौन सी है? ऐसे तो आप कहेंगे सर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, सभी लोग कहेंगे सर मीथेन है, फिर कहेंगे सर नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब CH4 है, CH4 है, N2O है, CFC है, O3 माने ओजोन गैस है, हाँ SO4 है, SO2 कौन सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, ठीक है, जलवाष्प है और CO2 है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा भी पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और नहीं तो ग्रीन हाउस के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ना यहाँ पे CH4 भी है, CH4 है, N2O है, CFC ओजोन है, SO2 जलवाष्प, CO2 है, ठीक है। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, हाँ, मीना का जलवा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अरे आप जवाब दीजिएगा, अगली क्लास 9:30 बजे से जाइएगा मत, होती लर्निंग विद दुर्गेश पर, जो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव चलती है, ध्यान से देखिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का। किसका? इसीलिए कहा जाता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है मत पिया करिए, उसमें CO2 गैस होती है। जी हाँ, सोडा वाटर बनाने के लिए उसमें सबसे पहले इस ये विधि किसने खोजा था? सोडा वाटर बनाने की विधि या जन्मदाता कौन है? सोडा वाटर की विधि कौन है? जोसेफ प्रिस्टले। कौन है? जोसेफ, राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है भाई साहब, जोसेफ प्रिस्टले। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? सोडा वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा वाटर। खासकर अल्कोहल, दारू वाले इसको ज्यादा प्रयोग करते हैं। वैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे क्या क्या होता है, पेप्सी का, कोक का, जो भी आता है वो उसमें ये मिलाया जाता है, ठीक है, जो से पिस्टल थे। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या, जल्दी बताइए, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है?
आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है बताइए यार, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। असुर गैस का रासायनिक नाम क्या है जल्दी कमेंट करिए, असुर गैस करिए, डेली क्लास चलती है भैया, उसका नाम है क्लोरो एसिटोफिनोल। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह गैस आंख के ऊपरी सतह पर लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करती है जिससे आंसू बहने लगता है। यह दंगों के दौरान व्यक्तियों को तितर बितर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब दंगा होता है तो लोगों को दूर हटाने के लिए भीड़ इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन एक प्रमाणिक गैस है, जल्दी कमेंट करके बताइए। ई लर्निंग में दुर्गेश पर ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर से जुड़े रहिएगा। यह नंबर ई लर्निंग में दुर्गेश ऑफिस का है। मेरी क्लासेज आपको ई लर्निंग में दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में निःशुल्क मिलती रहती हैं। सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग में दुर्गेश पर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक परमाणविक गैस है, कौन सा परमाणविक गैस का उदाहरण कौन सा है, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। परमाणविक गैस का उदाहरण क्या है, जी हाँ ये हीलियम होगा। हीलियम क्या है, हीलियम एक गंधहीन रंगहीन स्वादहीन अक्रिय और एक परमाणविक गैस है। ये कैसी है, एक परमाणविक गैस है, ये परमाणविक गैस है। क्या है, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन अक्रिय। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ, कल से आप लोग टाइम से रहेंगे ना। ये फेसबुक पे देख रहे हैं भैया, फेसबुक पे इलनी भी दुर्गेश, यूट्यूब पे देख रहे हैं इलनी भी दुर्गेश। सुबह 6:30 बजे डेली करंट की सीरीज मिलती है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, सुबह 6:30 बजे करंट की पीडीएफ। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, आज का टॉपिक है गैस और गैस के नियम, बताइए जल्दी से। गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, जल्दी कमेंट करिए। किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, जी हां आप लोगों ने एकदम सही बताया, राइट आंसर दिया, क्लोरीन का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। यह पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में भी हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चिमनी से निकलने वाली धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं कैसे, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। यार जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया, यार पैसे नहीं कटते, बस एक सपोर्ट है, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लगातार सुबह से लेकर रात तक मेरी क्लास चलती है, इसलिए ताकि आप कुछ अच्छा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, अब देखिएगा, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा धुएं को चलने से गुजार कर, धुएं को जल से गुजार कर रासायनिक पदार्थों द्वारा, देखिए चिमनी इस प्रश्न का होता है विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। चिमनी से निकलने वाले जो धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा कम कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है। 9:30 बजे वाली क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है, कुछ भी छूट जाए, रात का खाना छूट जाए, कभी 9:30 की क्लास दुर्गेश सर की ना छूटने पाए, बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग सभी साथी। यार अभी तो शुरुआत है, अभी आप लोग भाग रहे हैं, बताइए सभी में सबसे अधिक समान तत्व किसका है, जी हां हाइड्रोजन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के साथ प्रदान करें, ऐसे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करके अम्ल एसिड कहते हैं। सभी अम्लों सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन के, जैसे अगर देखा जाए तो HCl है आपका, HNO3 है आपका, H2SO4 है आपका, ये है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, आपके सवाल हमारे जवाब। ये परीक्षा उतना आसान नहीं है, बताइए। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये परीक्षा उतनी आसान है जितना हम समझते हैं कि भारत से कमाल, सवाल आपके जवाब हमारे। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलता है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए,
कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। बंद कमरे में भी चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है मालिक। अगला सवाल, वायु की संघटन गैस समानता होती है, ठीक है? गोलू है, गोलू, वायु की संघटन गैसें समानता होती हैं, कैसी होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ए होगा इसका राइट आंसर। वायु की संघटन गैसें कैसी होती हैं देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78.08%, O2 की बात करें 20.95%, ठीक है, लगभग यही होती हैं, ये मुख्यतः यही है, दो ही अकेले बोझा उठा लेती हैं। अगला, ज्वाला गैस होती है, ज्वाला गैस होती है, बताइए कमेंट करके, ज्वाला गैस होती है, जल्दी कमेंट करिए, ज्वाला गैस होती है। देखिए ज्वाला गैस की बात करें तो दीप्त होती है, क्या होती है? दीप्त होती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ज्वाला प्रकाश गैस, ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होती है, अतः इससे दीप्त ज्वाला कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दीप्त ज्वाला कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? दीप्त ज्वाला कहेंगे। देखिए ये प्रश्न घुमाकर पूछा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन गैस ज्वाला से अगर प्रकाश उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? दीप्त ज्वाला कहेंगे। ये टेक्निकल प्रश्न है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, ठीक है, हाँ, कौन सी गैस फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ये देख रहे हैं ना, ये परीक्षा वाले प्रश्न है, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होंगे इतनी बातें जरूर आपको पता हो गई होंगी कि प्रश्न का दायरा कितना रखना है, कितना आपको पढ़ना है। कौन सी गैस फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, एथिलीन, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगला, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अम्ल वर्षा, ताजमहल का पीला पड़ना, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा केंद्र कहां है पूरा? अम्ल वर्षा केंद्र विश्व का, अम्ल वर्षा केंद्र ओस्लो में है, कहां पर है? ओस्लो। ओस्लो कहां है? नॉर्वे में। और याद रखिएगा नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, और ताजमहल का पीला पड़ने कारण ये 11, ठीक है, वहां रहने दीजिए, वो तो बाहर लिखा जाएगा ना 11, ठीक है। क्या होगा? अरे ये सो टू है मालिक, एकदम आसान सा प्रश्न है यार, इसमें लिखित में ऑब्जेक्टिव होगा, लिखित में दो होता है, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव होगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी, जल्दी कमेंट करिएगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है निम्नलिखित में से? देखिए यहां पे नाइट्रोजन का पाउडर होता है, लेकिन यहां नाइट्रोजन पाउडर गैस पूछा है, इसलिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान दीजिएगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होता है, किसमें? अग्निशमन में, अग्निशमन में प्रयोग होती है। यह ऑक्सीजन से भारी होती है, यह क्या होती है? ऑक्सीजन से भारी होती है, यह ईंधन को चारों तरफ से ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाने देती है, ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। लाल तप्त कोक का पर भाप प्रवाहित करने से क्या होगा? लाल तप्त कोक पर, जैसे यहां पर है C+H2O, क्या मिलेगा? CO+H2, तो क्या मिलेगा? जल गैस। क्या मिलेगा? जल गैस मिलेगा। जल गैस एक संश्लेषण गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस सम्मिलित होती है। यह गैस लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होती है, ठीक है, समझ में आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा यार, सिलेक्शन वाले प्रश्न है, 9:30 बजे क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, और आपके कोई प्रश्न हो
तो आपके लिए एक नई क्लास शुरू होने जा रही है, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। लेकिन सबसे हल्की कौन सी होती है? सबसे हल्की हल्की हाइड्रोजन होती है। भरी कौन सी जाती है? हीलियम। भरी कौन सी जाती है? हीलियम। ठीक है, अगला। गैस टरबाइन आधारित होती है। गैस टरबाइन आधारित होती है, ठीक, गैस टरबाइन आधारित होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। सभी क्लास की लिंक सुबह से लेकर शाम तक जो चलती है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा या फेसबुक पेज पर। तो दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग भी दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आपको प्रतिदिन जो क्लास है 9:30 बजे क्लास, बहुत सारी क्लासेस चलती है, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये स्पेशल क्लास चलती है 50% परीक्षा वाले। ठीक है, ये चलती है जीएस जीके की। करंट की स्पेशल सीरीज सुबह 6:30 पर चलती है। डेली टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज यहाँ पर है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज की क्लास इसके तुरंत बाद 9:30 बजे क्लास शुरू होगी, कुछ मिनट के बाद। जी हाँ, यह होगा बेट्रॉन चक्र पर। बेट्रॉन चक्र पर, जी हाँ, किस पर? बेट्रॉन साइकिल पर। यह उष्मा गतिकी चक्र है। ये क्या है? एक उष्मा गतिकी चक्र है, जिस पर गैस टर्बाइन इंजन की कार्य प्रणाली आधारित है। ठीक, इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होगा? वह आपका सी राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो, तो आपको आप एक स्पेशल क्लास 11 बजे आ रही है, 11 बजे, जहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब और विशेष चर्चा परिचर्चा होगा, कैसे करें तैयारी अब की बार जीत की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलत हो, परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखकर आपको तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मिनट के बाद अगली क्लास है 9:30 बजे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाएगा। जी हाँ, 1000 मील लंबी यात्रा छोटे कदम शुरुआत होती है, और यह शुरुआत आज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक का बटन दबाने के लिए कहना पड़ेगा क्या आपको?